Assolutamente. लेट्स मेक पाव भाजी। तो एंड पाव भाजी बनाने का ना कोई सही तरीका नहीं होता है, तो जैसे आप बनाते हो वही तरीका सही होता है। तो हम बनाते हैं ऐसे, जो भी वेजी है ना आपके घर में वो यूज़ कीजिए। लाइक मेरे पास आलू है, गोभी है एंड गाजर है, तो हम बस ये तीन यूज़ करेंगे। इसको ऐसे पहले बस छील लेना सबको, देखिए आलू वगैरह गाजर सबको पील कर लेना है। एंड देन आपको कुकर में डाल के नॉर्मल इसको सीटी लगा देना, ठीक है। सीटी लगाना मतलब दो या तीन मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं गलना चाहिए, ज़्यादा गले तो फिर एकदम हलवा जैसा हो जाएगा। एंड देन इसमें पानी डालना है थोड़ा, इसमें पानी डाल देना जितने मतलब ये इतना दिख रहा है, आलू थोड़ा ऊपर ऊपर ही है। नमक डालना है क्योंकि देन आप एक कैप्सिकम, एक या दो जितना चाहिए, जितना वो भाजी बनता है उस हिसाब से। एंड देन टोमेटो, ये सारा यूज़ होता है फॉर मतलब अच्छा थिकनेस के लिए। एंड देन दो बड़ा अनियन, क्योंकि भाजी बना तो भाजी में अनियन का बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन जस्ट चॉप इट अप। एट दी एंड आपको भाजी में ना सब कुछ मैश कर देना, तो पहले ही छोटा छोटा कट करने पर ना ईजी रहेगा मैश करने में, बड़ा बड़ा। ये एक हम ना टिकटॉक पे देखे थे इस तरीके से शिमला मिर्च को मतलब कैप्सिकम को वो साफ करना, तो यस निकल गया सारा। सबको ना छोटे छोटे ही पीस में कट करना, ताकि ये ना अच्छे से ये जब फ्राई हो मतलब जब इसको भूंजे। ना प्याज को भी ना ऐसे पानी में धो देते, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा झाग निकलता है। इसलिए प्याज काटना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि घर में सबको तीखा खाना बहुत पसंद है। पहले वॉश कर लेते इसको। को भी एकदम छोटू छोटू कट कर लीजिएगा, बहुत लोगों को तीखा पसंद नहीं होता, तो जिसको तीखा नहीं पसंद ना वो ग्रीन चिली बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि हम लोग मसाला बनाते वक्त ना लाल मिर्च पाउडर यूज़ करते ही हैं फॉर कलर और फॉर टेस्ट के लिए भी। तो दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए पूरा ये गल चुका है अच्छे से एकदम, तो इसको क्या करेंगे हम लोग ड्रेन कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको अब ड्रेन कर लिए मतलब अच्छे से इसको धो भी लिए थोड़ा ठंडे पानी में, एंड ड्रेन कर लिए। अब इसको निकाल लेते हैं हमने बर्तन में। एक फुल क्लोव जो होता है ना इसका लहसुन का वो, ठीक है। एंड इतना अदरक, इतना एंड ये थोड़ा सा, ठीक है। हम बस इतना ही लेते, इसको नहीं ले रहे, ठीक है। इसको ना छील लीजिएगा पहले थोड़ा सा, एंड देन जस्ट एक कढ़ाई लेना जिसमें सरसों तेल डाल दीजिएगा, और जब कढ़ाई पूरा गर्म हो जाए अच्छे से और तेल, तब जाके सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट एंड सबसे पहले प्याज एंड कैप्सिकम, क्योंकि उसको पकने में टाइम लगता है। और फिर जब वो पक जाए अच्छे से मतलब तेल छोड़ने लगे, तब जाके हम लोग टमाटर ऐड करेंगे। एंड जब प्याज और कैप्सिकम ऐड करें तभी थोड़ा सा ना नमक डाल देंगे, ताकि वो मतलब गलने में थोड़ा ईजी हो। देन प्याज वो टमाटर ऐड करेंगे, और फिर जब सारा पक जाए तो इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा मतलब पक गया तो उस स्टेज पे हम डाल रहे सांभर मसाला, सॉरी पाव भाजी मसाला। ये पाँच रुपए पैकेट है और ये पूरा ही डालेंगे, इतना क्वांटिटी चाहिए होता है। पाँच वाला पैक जो होता है वो पूरा सही होता है, पक गया है मतलब पूरा भुंजा गया, तो अभी इसमें हम लोग डालेंगे। हम इसमें ये मैश किया हुआ सारा वेजिटेबल डालेंगे, जिसको हम ऑलरेडी मैश कर लिए थे पानी ड्रेन होने के बाद। एंड फिर इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, और मिलाने के बाद इसको 5 मिनट तक ढक करके पकाना है। और जब 5 मिनट तक ये पक जाए तो फिर ये ऐसा दिखेगा। एंड देन इसमें आपको पानी ऐड करना, जितना आपको मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से, हमको ऐसा चाहिए था, पर जितना चाहिए ना उससे थोड़ा हल्का रखिएगा मतलब पतला, ताकि ये जब पके तो और ये गाढ़ा होता है। फिर जाके थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप कर लीजिएगा तो पतला पतला, क्योंकि ऊपर से गार्निशिंग में बहुत अच्छा लगता है। देन अलग से थोड़ा सा नींबू निकाल लीजिएगा, क्योंकि नींबू का पानी ऊपर से डालते हैं उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
देन नींबू का पानी और कोरिएंडर को दोनों को ऐड करेंगे। कोरिएंडर और लेमन जूस अभी ऐड किए इसमें हम लोग, इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं छौंका लगाएंगे। उसके लिए इतना हम लेंगे बटर, ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। एंड दैट्स इट, तैयार हो गया बनके। बस और कुछ नहीं करना है, और फिर बस पाव सेक लेना, जो कि बहुत नॉर्मल है, कोई भी सेक लेगा। एंड दिस इज़ द लुक, बहुत ही खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, सबका मतलब रिएक्शन बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया खाने में। डू ट्राई दिस एट योर होम, क्योंकि ये बहुत ईजी और बहुत मतलब जो भी सब्जी घर में उनसे बनने वाला रेसिपी है ये, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड डू वॉच माई वीडियोज़ एंड कमेंट कैसा है आप लोग और किस चीज़ का रेसिपी चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।